नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आई ए आर आई टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2022, आपने ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम अवश्य दी होगी। एग्ज़ाम देने कुछ ही दिनों बाद आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी ICAR के द्वारा, आंसर की भी आपने देख ली होगी एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं वो भी आपने अवश्य देख लिया होगा। आंसर की देखने के बाद एक ही सवाल मन में चल रहा है कि टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, एंड दूसरा जो डाउट होता है वो है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक इसमें बढ़ेंगे इस टेक्नीशियन ICAR की एग्जाम्स में, एंड सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद अगर एग्जाम क्वालिफाइंग कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सब कुछ इस बारे में आज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान और संस्थान, ये टेक्नीशियन पोस्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। रिजल्ट अपडेट, आज तक अभी तक किसी भी प्रकार से ऑफिशियल माध्यम से आपको ये नहीं बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब तक घोषित होगा। ठीक है, तो फालतू की अफवाहों से दूर रहिएगा, रिजल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशियल साइट पर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रिजल्ट कब तक आपका आएगा। दोस्तों आपका जो रिजल्ट है संभावित लग रहा है कि अप्रैल में आएगा। ठीक है, अप्रैल माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट अप्रैल में कब तक आएगा, तो अप्रैल का जो प्रथम वीक है उसमें आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि ICAR ने इतना फास्ट जो है किया है, एग्जाम ले ली है, उसके थोड़े ही दिन बाद आंसर की जारी कर दी है, तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि आपका रिजल्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे, इनके लिए रिजल्ट घोषित करने के लिए कुछ परेशानियां हो रही होंगी, इस वजह से आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अनुमान है कि आपका जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन कितना इसमें बढ़ेगा, तो मैं बता देता हूं आपके लिए कि ये कोई रेलवे SSC वगैरह की पोस्ट नहीं है, ये ICAR की है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन से कम ही नंबर आपके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 या 25 नंबर तक बढ़ जाते हैं रेलवे SSC की एग्जाम में, लेकिन इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों ओनली फॉर 10 नंबर तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ेगा इस ICAR टेक्नीशियन की एग्जाम्स में, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट भी नहीं है, जितनी ज़्यादा शिफ्ट होती है उतने ही नॉर्मलाइजेशन के ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसमें आपकी 8 ओनली शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन कम ही देखने को मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन से उसको फायदा सबसे ज़्यादा होगा जो शिफ्ट हार्ड होगी। वैसे लमसम सभी शिफ्ट हार्ड थी ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, तो बराबर बराबर ही नॉर्मलाइजेशन वैसे आपका सभी शिफ्टों में बढ़ेगा, ये हमारा अनुमान है, तो आप घबराइएगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन से अंक आपके बढ़ेंगे, 10 नंबर तक आपके अंक यहाँ पर बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी एग्जाम होती है इसमें,
और एग्जाम आपकी हो चुकी है सीबीटी फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम के बाद आपका आंसर की आती है, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आता है और उसी का वेट आप कर रहे हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनल रिजल्ट होगा आपकी एग्जाम्स का जो सीबीटी फर्स्ट होती है, इसकी मेरिट बनेगी, प्री की मेरिट बनेगी। इसकी मेरिट में जो बच्चा क्वालिफाइंग करेगा दोस्तों, उसी का आगे जाकर कुछ होगा। अब इसमें फाइनल रिजल्ट जो होगा आपकी 600 प्लस इसमें वैकेंसी है। अब 600 प्लस इसमें आप समझ लीजिए कि बढ़कर कुछ स्टूडेंट्स को लिया जाएगा इस फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जब आएगा इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, उसके बाद छटनी की जाएगी। अब छटनी किस प्रकार की जाएगी, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपकी मेरिट भी बन जाएगी कि कौन कौन स्टूडेंट्स पास हुआ है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उन सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि 600 ही स्टूडेंट्स को पास करना है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल में जो क्वालिफाई कर देगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहां से छाट दिया है, यहां मेडिकल में काफी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है, इसमें काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं, उनको यहां से ही बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। उनको किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल में पास हो जाएगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें भी आपका लपड़ा है, अगर आप सही प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाएंगे दोस्तों। इसमें इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आप जाओगे तो नॉर्मली आपसे आपका नाम, फादर्स नाम, मदर्स नाम, विलेज वगैरह कुछ छोटी मोटी बातें आपसे पूछी जाएगी, कोई बड़ा इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप करा जाओगे तो आपको तुरंत नहीं बताया जाएगा कि आपका क्या हुआ है, फिर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया जाएगा, आपकी जॉब पक्की हो चुकी है ये बोला जाएगा। और जो ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको जो है इस जॉब के लिए बुलाया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ सालों की आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग में कुछ आपको सैलरी कम दी जाती है और बढ़िया तरीके से इसमें सैलरी है, तो आप इसमें ट्रेनिंग कर लोगे, फिर आपको परमानेंटली कहीं पर जो है इसके 64 जो है अनुसंधान संस्थान है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर आपको किसी भी रिसर्च सेंटर में आपको जॉब दे दी जाएगी। तो ये इसका कुछ मटेरियल है, सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार होगा दोस्तों। स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा एंड नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक हमारे बढ़ सकते हैं, तो उन सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब आपको जो है उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा एंड नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ सकते हैं, किस प्रकार आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या रहेगी। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो सैलरी है वो 28,000 प्लस आपकी सैलरी है, बाकी TA DA और भी प्लस आपके काफ़ी सुविधाएँ हैं इसमें, बढ़िया तरीके से इसमें सैलरी है, किसी भी प्रकार से ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ये ओनली गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि ये प्राइवेट जॉब है। वैसे आपको ये जो रिसर्च सेंटर है वैसे प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट ही इसमें जो है सारा कुछ जो आपको सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट के अंडर ही आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं।